अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑरेंज को ज़्यादा देर के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं रमज़ान मुबारक चूँकि आने वाला है उसके आने में थोड़ा कम टाइम रह गया और ऑरेंज का मौसम भी जा रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ऑरेंज को रमज़ान मुबारक की चाट के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं आपने जितने ऑरेंजेस को फ्रीज़ करना हो उतने ऑरेंज लेंगे उनको सबसे पहले हम उसका इस तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे सारे ऑरेंज का छिलका मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया मैं आपको कुछ ऑरेंज का छिलका रिमूव करके उसको सेव करने का तरीका बताती हूँ और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने फ्रीज करने हैं उतने कर लीजिएगा सबसे पहले मैंने इनका छिलका उतार लिया और इसके ऊपर से जो वाइट वाइट सा पार्ट होता है उसको भी रिमूव कर लें अब हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे और ऑरेंज को हमने किस तरह से कट करना है ये आप ध्यान से देखें ऑरेंज को आपने सिर्फ तीन हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है इसको इस तरह से स्लाइसिस में आपने कट कर लेना है और ये रमजान की चाट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है और तब ऑरेंज का मौसम नहीं होगा तो हम इसको पहले से फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि उस वक़्त आने पर हम इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकें और ये इस तरह से सारे मैंने औरेंज को स्लाइसेस में कट कर लिया है और हम इसका बीज रिमूव करेंगे इसके बीज आसानी से आप निकाल सकते हैं ऊपर ऊपर जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं आप उसको हाथ की मदद से ऐसे सेपरेट करते जाएँ और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं आप जब यूज़ करने हो तो आप निकाल के भी रिमूव कर सकते हैं लेकिन अगर आप पहले रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और ज़रूरत तो पड़ने पर आप इसको निकाल के इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे ये इस तरह से सारे बीज मैंने सेपरेट कर लिए हैं जो बीज आपसे हाथ से ना निकले उसको आप नाइफ़ की नोक की मदद से उसको ऐसे सेपरेट करते जाएं और फिर आप इसको आराम से आसानी से निकाल सकते हैं बीज और अब इनको हमने किस तरह से सेव करना है इसको दो तरीके हैं एक तो अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग है जिपर बैग तो आप उसमें इसको ऐसे सेपरेट सेपरेट डालते जाएं आपने इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना है ताकि दूसरे के साथ चिप चिपक ना जाए तो इस तरह से इसमें ऐड करनी है अगर आपके पास ये बैग नहीं है ज़िपर बैग तो आप वो कोई बाउल लें उसके अंदर नीचे कोई प्लास्टिक पेपर बिछाएं उसके ऊपर थोड़े से ऑरेंज के इस तरह से स्लाइसिस रखें फिर उसके ऊपर दूसरा पेपर बिछाएं और इस तरह से आप बाउल में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और हम इसको फ़्रीज़ करेंगे और आप इसको दो मत तक बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं ये ख़राब नहीं होंगे और इन मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में स्टे सेफ़ अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू